मुरैना जिले की गजक को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दो दिवसीय गजक मिठोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जीवाजी गंज स्थित टाउन हॉल में आनंद क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। गजक उत्पादन को लेकर 100 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए गजक को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गजक का मेला आयोजित किया गया है। यहाँ गजक व्यवसायियों द्वारा 20 से ज्यादा विभिन्न वेराइटियों की गजक बनाई गई है। गजक व्यवसायियों ने मेले में अपनी अपनी स्टॉल लगाई है, उसमें जो उत्कृष्ट गजक निर्माताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुरैना की गजक को तिल गुड़ से बनी खस्ता मिठाई कहा जाता है, इसे सर्दियों का टॉनिक भी कहा जाता है। उत्तर भारत की लोकप्रिय गजक है, दक्षिण भारत में कम ही जानी जाती है। मुरैना में गजक, तिल गुड़, शक्कर, मावे से भरपूर काजू गजक, फैनी गजक, गुजिया गजक, सोन गजक, रोल गजक, समोसा गजक, मावा गजक, तिल पट्टी गजक सहित कई प्रकार की तिल कोटिया का गजक बनाकर देश भर में भेजी जा रही हैं। दो दिवसीय गजक मिठोत्सव का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रियंका दास व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मावई ने किया। वहीं कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गजक को प्रस्तुत करने का प्रयास है। जीआई टैगिंग के लिए प्रशासन प्रयासरत है। दो दिवसीय मिठोत्सव में जिले भर के गजक निर्माताओं ने दुकान सजाई व पैकिंग की वैरायटियों ने ग्राहकों को आकर्षित किया। गजक को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बहुत अच्छा लगा है। मुरैना में प्रथम बार ये मेला का आयोजन किया गया है। आयोजकों को और मेले में सम्मिलित होने वालों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुरैना के नागरिकों के लिए एक सम्मानीय स्थल यहाँ प्रदान किया है और मुरैना के नागरिकों को ये पता लगा है कि मुरैना में कितने लोग गजक का निर्माण।